सारे भाइयों ने राम राम। मैं थारा देसी पत्रकार नरेंद्र जांगड़ा। देसी देख बिना ब्रेक लाइक शेयर पे गुठा टेक। और फिलहाल भाई पानीपत की जिला कारागार जेल ते इस वक्त के श्यामी तो जो है लाइव जुड़ गए आप संसार क्रांति गिला। फिलहाल जो है बहुत बड़ी अपडेट फिलहाल नुकच का पूरे हरियाणा की एक बहुत ही बड़ी खबर इस वक्त जो है आप संसार क्रांति पर देख लग रहे हो। सिंगम आशीष उर्फ सिंगम का नाम जो है आपने जरूर सुना होगा। लगातार जो है पूरे हरियाणा की अगर बात करी जावे तो सुर्खियों में सिंगम चल रहा था। और आज जो है सिंगम उर्फ आशीष ने जो है जमानत मिल गई। और फिलहाल ये लाइव तस्वीर आप संसार क्रांति पर देख लग रहे हो। फिलहाल इस वीडियो ने आप जितने भी ज्यादा से ज्यादा उसका ज्यादा से ज्यादा शेयर करियो। कहीं ना कहीं नुकस कह है सच्चाई खातर सिंगम जेल में गया था कहीं ना कहीं। क्यों? क्योंकि भाई अगर वो गलत है तो हम तो क्या है जांच करो। हम नहीं कहते सिंगम सही है लेकिन जांच करो। जांच में अगर दोषी पाया जाओ तो जेल में जरूर डालो। लेकिन कहीं ना कहीं एक बात और मैं बता दूं दर्शकों है कि जो आशीष उर्फ सिंगम है उनका जो है मामला लगातार सुर्खियां में चल रहा था। और लोगों का कहना था कि भाई सिंगम सिंगम ने जेल में क्यों गिरो दूसरे ने भी गिरो। लेकिन फिलहाल ये बहुत बड़ी अपडेट है कि सिंगम ने लगभग 4-5 दिन बाद जो है आज जमानत मिल गई है। उसके जो साथी थे जो लोग सिंगम ने प्यार कर रहे हैं वे आज शायद बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होंगे क्योंकि उनके लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि सिंगम की जमानत हो गई है। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है भाई। फिलहाल इस वीडियो ने शेयर जरूर कर दे रही हो साथ के साथ मैं बता दूं क्योंकि इस प्रकरण के अंदर इस प्रकरण में चलते यानी कि सच्चाई दिखांदे ईसा होया भाई। हम नहीं कहते सिंगम सही है हम तो फिर गए थे। अरे भाई सिंगम तू भी ले लेंदा थोड़ी रिश्वत तेरे के घर तजा था तू भी बन जाता मेरे अरोड़ा जी सा सिस्टम ही सा हमारे देश का। क्योंकि भाई अगर कड़वा बोल रहा है तो मुकदमे दर्ज हो जाए। मेरे ऊपर भी हो रहा है सच्चाई दिखाण पे सच्चाई दिखाई दी मुकदमा दर्ज है और जेल के श्यामी हूं दिखा दे भाई। लेकिन आज सिंगम ने जमानत जो है मिल गई है। और जो वकील थे एक बार मैं पानीपत जो है वकील थे एक बार बातचीत करूंगा और उनसे पूछूंगा कि सिंगम किस टाइम जो है जेल तक बारना आवेंगे। तो फिलहाल ये बहुत बड़ी अपडेट है भाई वीडियो शेयर कर दे रही हो। बहुत बड़ी अपडेट है भाई फिलहाल जो वीडियो शेयर कर दे रही हो। ओले थोड़ी पीछे नोले हेलो हां जी जतिन जी क्या हाल है? बढ़िया जी बढ़िया। अच्छा जी सिंगम उर्फ आशीष की जो है जमानत होगी है जी? हां जी हां जी होगी। अच्छा क्या कुछ प्रोसेस रहा जी किस टाइम बहस शुरू हुई और किस टाइम जाकर जो फैसला आया और किस टाइम सिंगम बाहना लिख रहा है क्योंकि जो उन चाहने वाले हैं सच्चाई का साथ देने वाले हैं वे सिंगम का कहीं ना कहीं इंतजार जो है कर रहे थे कई दिन तक। इसमें पहली सेशन कोर्ट में बहस लगी थी और सेशन कोर्ट में सुबह ही बहस होगी थी 10 बजे राइट ठीक है आधा घंटा बहस चली इसमें और साहब ने कहा था शाम को ऑर्डर करना 4 बजे ठीक है 4 बजे साहब ने ऑर्डर करे उसकी जमानत मंजूर कर ली है और वो यहाँ से कोर्ट से रिलीज वगैरह बनेंगे ऑनलाइन जाएंगे वहाँ पर जेल में कुछ प्रोसेस होता है साइन वगैरह होते हैं उसकी बाहर निकलने की सब एंट्री वगैरह होती है तो 6:30 मैक्सिमम 7 बजे तक उसे रिलीज कर देंगे। मतलब आज सिंगम बाहर हो जाएगा मतलब सिंगम बाहर आ जाएगा। 6 बजे तक होगा वकील साहब 7 बजे तक आ जाएगा बाहर। फिलहाल बहुत बड़ी अपडेट है 7 बजे तक जो है सिंगम बाहर होगा। अच्छा जी एक बार सिंगम पर जो धाराएं लगी थी एक बार वो बताएंगे जी थोड़ा। सिंगम के ऊपर धारा 186 हाँ जी 323 332 353 506 और उसके साथ 120 भी ठीक है जी 180 बाद में लगाई थी वो फर्जी साहब के ऊपर साइन ना करने के ठीक है। तो फिलहाल जो भाई देख सको आप ये बहुत बड़ी अपडेट है कि इनके साथ खेले जाना। अच्छा ताऊ ताऊ एक बार तो राम राम कर दे मार। राम राम जी राम राम। अच्छा आप तो सिंगम के गांव के हैं जी सिंगम के गांव के हाँ। सिंगम काम ठीक कर रहा था गलत ठीक कर रहा था हमारे लिए जी ठीक कर रहा था बिल्कुल। तो आज जमानत मिल गया खुशी हुई होगी? खुशी मत मैं इज्जत कह ला रहा। अच्छा खुशी मत कह लग रहा
गाड़ी खड़ी ना सिंगम को आ रहे हो हम तारेंगे पानीपत ले भाई सिंगम मतलब सिंगम के चांद वाले पहले जेल के बाहर खड़े थे और उनके काम के तो फिलहाल देखो भाई का जोश इसी तरह आपका भी जोश और कहीं ना कहीं भाई नुकेश कहे अगर वो झूठा है देखो हम नहीं कहते कि सिंगम सही है लेकिन अगर सिंगम सही है ना तो जांच करो बढ़िया तरीके से जांच करो ना अच्छे तरीके से जांच करो जांच करने के बाद जुड़सार उपयोग भीतर गिर दे भाई ना तो हमारा सिंगम रिश्तेदार ना हमारा जो त्यागी था वो रिश्तेदार हम तो नुके वह है जो भ्रष्ट लोग है ना इसके भीतर में होने चाहिए दिखा दे भाई जो भ्रष्ट लोग है वो होने चाहिए इसके भीतर और एक बात और मैं बता दूं कल कर्मो भाई साहब ने भी कही थी और एक और मैं आज फिर कहना चाहूं आज जो है अमित शाह आ रहे थे और कहीं ना कहीं नुकेश कह भाई जो ये पुलिस आ रहे हैं ना ये इनका भी घर परिवार है ना पंजाब सरकार जो है इतना इन पुलिस वाले ने देर लग रही है तो थम क्यों नहीं देंदे हरियाणा सरकार का एक हेड कॉन्स्टेबल इतना चर्चित है बढ़िया काम कर लग रहे है और उन्हें दबाने की कोशिश करी जा लग रही कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के चक्कर में यानी कि जो गलत काम करा है निष्पक्ष जांच तो करो सीधा भित्रे गिर दो या जेल बना रखी के बना रखा राम तनु का जुड़ से खड़े है ना इनकी भी तनख्वाह बढ़ा दो इन्हें दिक्कत नहीं होगी फिर कहीं ना कहीं भाई हरियाणा पुलिस की अगर बात कर जाए तनख्वाह की तो कहीं ना कहीं इनकी तनख्वाह में भी कुछ देख लो भाई एक जो मेरे पास मैसेज आया था सुबह एक थाने में था कि भाई जो हमारी तनख्वाह भी बढ़नी चाहिए उनका क्या कसूर है भाई इनका क्या कसूर है उनने क्या था भाई मास्टर की तनख्वाह बढ़गी सब की बढ़गी हर डिपार्टमेंट की बढ़गी तो हरियाणा पुलिस ने खोट के कर रखा है तो कहीं ना कहीं एक नवीन जैन ने भी बोली थी कि भाई जो आरोप लगाओ हो रिश्वत लेवा नू लेवा तनख्वाह बढ़ा दे उनकी जरूरत के लग रही है और कहीं ना कहीं बात भी सच है एकमात्र ऐसी ड्यूटी पुलिस की ना होली पर छुट्टी ना दिवाली पर छुट्टी क्यों भाई इनका घर बार नहीं है इनका बच्चे नहीं है भाई इनका बच्चे नहीं है ये सारा दिन ये देखियो एक बार दिखाइयो ये सारा दिन जो है ड्यूटी करे 24 घंटे उस टाइम ये ड्यूटी करे है जिस टाइम सारा देश घर सोवे है उस टाइम भी ये ड्यूटी करे है रोड जाम हो जाए तो पुलिस वाले की गलती जाम क्यों निकलवाया किंग कुछ अत्याचार हो जाए तो पुलिस वाले का कसूर सारा ये कसूर पुलिस वाले का क्यों करो जाए और जो आरोप लगावे रिश्वत के चलो भाई रिश्वत लेंदे होंगे लेकिन पांचों आंगली एक जीसी को ना होंगी कहीं ना कहीं 10% करप्ट लोग है 90% जो लोग है वे बहुत ईमानदार है तो भाई मारी भी अपील है कि कम से कम हरियाणा पुलिस की भी तनख्वाह बढ़ा दो सरकार तो अपील है और आज बहुत बड़ी अपडेट है भाई कि सिंगम जो है बाहर आ गया है आने वाला है और यो फिलहाल जो है पानीपत की जेल के आगे थे लाइव तस्वीर फिलहाल संसार क्रांति पर आप देख लग रहे हो जिंग है 7 बजे आशीष उर्फ सिंगम के लिए सिंगम उर्फ आशीष के लिए तो भाई बाना अगर उनके चांद वाले की अगर बात करी जावे तो पूरे हरियाणा में मेरे ख्याल से इतने तो भाई देख थोड़ी आंख मांग लग गई इतने चांद वाले तो मुख्यमंत्री के कोने हो रहे जितने सिंगम के हो रहे हैं अच्छा एक और भी बात भाई आरोप लगा हुआ लोग पुलिस गलत जो साथी पुलिस पर आरोप लगा हुआ है कि पुलिस गलत है आशीष भी तो पुलिस में है भाई वो भी तो इतना ईमानदार है ईमानदार गणे हैं कोई दिख जाए है कोई दिखता नहीं है इब जुनसे ईमानदार है वे कहीं ना कहीं जो दो चार बड़े बड़े मगरमच्छ होया करे ना मोटे करप्ट अधिकारी उनके चक्रा में ईमानदार अफसर शाम आणते नु डरा कि कभी तेरा नंबर अगला ना लग जा भीतर जान का तो कहीं ना कहीं एक बार सारे के सारे दर्शक अपनी राय कमेंट में जरूर दी और फिर क्यों हरियाणा सरकार दे सेंटर सरकार दे वहीं की तनख्वाह बढ़ा दो हर डिपार्टमेंट की तनख्वाह बढ़ाओ एक बात और भी भाई सरकार पर सीधा सीधा टारगेट है इस सरकार में फिलहाल जो है हर वर्ग दुखी है कोई बताता है कोई ना बताता ये तो एक बहुत बड़ी बात और मैं बता दूं हरियाणा पुलिस की हरियाणा पुलिस कभी भी धरने पर भी नहीं बैठ सकती हड़ताल भी नहीं कर सकती एक ही सा डिपार्टमेंट है लगातार अपने बालका ने छोड़कर ड्यूटी करे कोई त्योहार नहीं देखा मैंने आज तक की कोई पुलिस वाला अपने घर आओ इनका क्या कसूर है तो भाई कहीं ना कहीं एक बात हम पहले भी कह रहे थे ये फिर के वह भाई अगर सच्चाई दबेगी
तो भारत देश ने गुलाम होने तक कोई नहीं रोक सकता। वह बात दोबारा फिर कहूं मैं, ईमानदारी तक अगर चलोगे तो भारत देश आजाद रहोगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर सच्चाई ने दबाने की कोशिश करी जाओगी ना तो गुलाम, एक बात मैं बता दूं, गुलाम का मतलब वो नहीं गुलाम होता जी जो कोई भाई का बहम होगी अंग्रेजा गुलाम ना, मानसिक गुलामी, आर्थिक गुलामी, गणिये सारी डाल की गुलामी है, कभी कोई सा दूसरे डाल की गुलामी सोचो। तो कहीं ना कहीं शोषित सारे डाल की चीजें है, समझो आप समझदार हो। लेकिन फिर एक बार फिर दिखा दे भाई तस्वीरें, इन तस्वीरें आप आपने छोड़कर जान लग रहे आशीष उर्फ सिंघम जो है 7 बजे आज जेल के बाहर होगा और अपने जो उसके चाहन आले है वे चाहन आले जुनसे बड़े बड़े समाज सेवी बने थे, सिंघम का माला गाल्या कर थे, वे बीजेपी पार्टी के विधायक जुनसे माला पर आया कर थे, वो कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े मगरमच्छ जो माला पर आया कर थे, एक भी बंदे ने किसी भी पार्टी या सत्ता पार्टी हो चाहे विपक्ष हो, ना पक्ष आया ना विपक्ष आया सिंघम की सपोर्ट में, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, कुछ तो प्रतिक्रिया दो। बीच में फंस गया निष्पक्ष, निष्पक्ष कौन जो मारे भर के दिखाने वाले है, फिर कसूर इनका भी कौन है, पुलिस वाले का भी, क्योंकि इनके ऊपर भी कहीं ना कहीं शिकंजा कसा होता भाई ऊपर वाले सिस्टम का, गलती इनकी भी कौन है, पहली वीडियो में भी क्या था, गलती इनकी कौन है, ये तो अपनी ड्यूटी पर खड़े है, गलती उनकी है जिनकी आख्या में आंगली लग है, जिन्हें दिक्कत हो सच्चाई सुनते। तो फिलहाल भाई बहुत बड़ी खबर है, इस वीडियो ना आप इतना शेयर करो ताकि जो सिंघम के चाहन आले थे गणे फोन आवे मारे दौरे लगातार, करमू भाई साहब दौरे भी, धर्मू भाई साहब दौरे भी, ऑफिस में भी काफी सारे फोन आवे सिंघम का के रहा, तो सिंघम के उन चाहन आले खातर बहुत बड़ी अपडेट है कि सिंघम 7 बजे आज जेल तक बाहर होगा।